अली जाफरी, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे अंदर आने दिया। मैं पहली दफा किसी भी बार में आया हूँ, यहाँ पे तो सबको कॉकटेल बनाना आता होगा। कैसा लगा आपको, पहले तो ये बताएं कॉकटेल कैसे लगी, और आपको अंदर किसने आने दिया, ये बताइए आपको यहाँ अंदर किसने आने दिया। मैं माजरत चाहता हूँ, इससे पहले कि आप शिकायत करें, मैं नीवे नीवे होके निकल रहा हूँ। जिससे जी आप पहले ये तो बताएं कि आपने यहाँ क्या देखा और आप यहाँ कैसा पाते बुकला के कन्वेंशन को, जो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हुआ। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में, और बहुत ख़तरनाक किस्म की तकरीरें हुई हैं, और आज एक प्रोटेस्ट था, लाहे अमल बताया गया है, आगे का प्रोटेस्ट और लाहे अमल इस सिलसिले में बताया गया है कि आज वकला तंजीमों ने यहाँ पर काउंसिल्स और एसोसिएशंस के तमाम सदर और नायब सदर और जो अहम अहदेदारान थे वो यहाँ पर मौजूद थे, और बात हो रही थी इस बात पर कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकरारी कैसी होनी चाहिए, और ऐलान आज ये हुआ है, सब ने उस पर अग्री किया है कि 9 सितंबर को इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दिया जाएगा और उसको काम नहीं करने दिया जाएगा। अब 9 सितंबर से पहले कोई सेटलमेंट हो जाती है या 9 सितंबर को धरना होता है ये तो हमें पता लगेगा, और अगर धरना होगा तो हम वहां पर आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा और भी वकला से सवाल करें। आ जाओ हसनैन साहब, आपको क्या लगता है कि जो हमारी मुख्तलिफ तंजीमें हैं वकला की, बार एसोसिएशन मुख्तलिफ शहरों में है, तो इसमें फिजिकली फिट सबसे ज्यादा वकील कौन से हैं? देखें, फिजिकली फिट जो है ना, मैं कहूँगा गुजरांवाला बार एसोसिएशन के वकील, क्योंकि गुजरांवाला के लोग जो है ना खाने पीने के शौकीन है, तो फिजिकली भी वही फिट होंगे। थैंक यू। अच्छा सर, आप आज ये प्रोटेस्ट पे फूल क्यों लगा कर रहे हैं? फूल तो मैंने अभी लगाया है। अच्छा, वो मैंने अभी लगाया थी, कोई बात नहीं, मैं लगा के भी मैंने अभी तोड़ कर लगाया। जब लोग बने थे उसके तहत काम होना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए जो जुर्म करे, और जो गलत कर है उसको बरतरफ कर देना चाहिए, जो गलत तरीके से फैसला करे और गलत तरीके से अपनी मनमानी करे, वो चीज़ें कानून में नहीं होनी चाहिए। कानून में वही चीज़ होनी चाहिए जो कानून के मुताबिक हो। सर खाना कैसा था? फर्स्ट क्लास। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वकीलों को शोरबा कैसा पसंद है, लंबा के गाढ़ा? शोरबा तो शोरबा होता है जो भी हो। थैंक यू सर, डिग्री तो डिग्री होते वाला था। अच्छा सर, पाकिस्तान में इतनी सारी बार काउंसिल्स हैं, इतनी सारी बार एसोसिएशंस हैं, अगर आपके ख्याल में उनके दरमियान में एक लीग करवाई जाए लूडो की, हाँ, तो कौन सी जीतेगी? कराची बार। कराची जो हमारी बार एसोसिएशंस और काउंसिल्स हैं, इनके दरमियान में अगर स्पोर्ट्स का कोई इवेंट हो तो सबसे ज्यादा चीटिंग कौन करे? चीटिंग लाहौर बार। ये आपने मेरी वजह से कहा है? नहीं नहीं, मेरे वैसे ही जनरली कहा। थैंक यू सर। इतनी सारी बार एसोसिएशंस और काउंसिल्स और सारा कुछ है यहाँ पे हमारे मुल्क में, तो आपके ख्याल में मारधाड़ में सबसे आगे कौन सी है? मारधाड़ में कौन सी आगे? कराची बार एसोसिएशन। आप वहीं से? जी मैं वहीं से। फिर आप सारा कौन जान सकता है? अच्छा सर, इतनी सारी बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल्स हैं पाकिस्तान में, बेस्ट खाना कहाँ पे होता है? बेस्ट खाना तो अब तक सिंध बार काउंसिल का ही है, तो बाकी तो ये है कि वकला का वैसे ही जहाँ भी इंतज़ाम होता है अच्छा ही होता है, बेहतर ही होता है, लेकिन चूँकि हम ज़्यादा इधर ही सिंध बार काउंसिल में ज़्यादा अटेंड किया है और बहुत बेहतरीन खाना जो है वो यहाँ का रहा है। तो ये यहाँ पे जो वेंडर है उसका भी वकील होना ज़रूरी है कि मुझे भी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है खाने का? ये चीज़ें तो बार के मेंबर ही बता सकते हैं, हम तो वकला हैं, हमें तो बस खाना मिल जाता है, हम खा लेते हैं, ये वही बेहतर जानते हैं कि वो किसको देते हैं, वेंडर्स को देते हैं या बार वालों को देते हैं। अच्छा मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि हमारा स्पोर्ट्स से लेके पुलाव और बिरयानी तक हर चीज़ में लाहौर और कराची का मुकाबला होता है, बिल्कुल होता है, तो वकला में भी कोई मुकाबलेबाजी है या ये वो ऐसी चीज़ है जिसमें वो वाला इत्तेहाद है जिसका कायदे आज़म जो है प्रचार करके गए थे? वकला में इत्तेहाद ये है, वकला से बहुत दूर से चलते हैं इंडिपेंडेंस। रक्षंदा साहिबा, अक्सर ये देखने में आया है कि जिन वकला ने अपीयर नहीं होना होता जजेस के सामने वो उनको खुल के क्रिटिसाइज करते हैं, और जिनके केस लगे होते हैं वो जरा
कोई भी तनकीद करने से पहले बहुत सोचते हैं, बड़े नपे तुले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आपके ख्याल में आम आवाम जो है उनको समझ नहीं आती इस बात की? नहीं, आवाम को तो देखिए जो सीधी साधी आवाम है उनको समझ नहीं आती है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको सब समझ में आता है। क्योंकि जब वकील अपेयर होता है और उसको जज की सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ती है, क्योंकि बाद वकील ऐसे होते हैं वो तैयारी करके नहीं आते, तो जो जजेस का जो रवैया होता है वो थोड़ा सख्त हो जाता है उनसे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम थोड़े से लेट हो गए हैं और इधर ऐसे लग रहा है जैसे तपारी गुजरे हैं। एरार साहब, हमारी जो क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस है, क्या हम पीसीबी पर केस कर सकते हैं या नहीं? देखें, अब ये तो बड़ा गंभीर सवाल है। अगर आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाएंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं पीसीबी अगेंस्ट, लेकिन आप किस नौयत का करेंगे केस वो आप पे डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक है, मेरा ये ख्याल है कि वो सिलेक्शन जो है ना टीम की वो ठीक नहीं होती, लेकिन उसमें आपको किस तरह नुकसान हो रहा है वो भी आपको दिखाना पड़ेगा कि किस तरह नेशन का नुकसान हो रहा है, किस तरह हमारी कॉमन नुकसान हो रहा है। तो जब मेरा जो दिल टूट रहा है उसका क्या? ओहो, अच्छा, जो दिल टूट रहा है आपका, दिल टूटने का तो फिर वो ये ना दिल रो रहा है मेरा, हमें मुझे मारो वो वाला हिसाब किताब हो जाएगा, तो फिर तो केस कर सकते हैं बिल्कुल। थैंक यू। ताहिर साहब, हमने अक्सर ये देखा है कि लोगों की पाकिस्तान में ख्वाहिश ये होती है कि बाहर ही सेटलमेंट हो जाए, अदालत ना ही जाना पड़े किसी भी डिस्प्यूट में। तो आपके ख्याल में जो पाकिस्तानी अवाम हैं वो जजेस से ज़्यादा घबराते हैं या वकीलों से? मेरे ख्याल से जो पाकिस्तानी अवाम है वो हमारे जो लीगल सिस्टम में जो डिले होता है केस का, कि जैसे प्रोलोंग ट्रायल होता है, उससे घबराते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि जो सेटलमेंट है वो आउट ऑफ द कोर्ट करें। शमीम साहिबा, ये बताइए कि आपके ख्याल में डैम फंड का क्या बना? डैम फंड का क्या बना? जिलानी साहब, आज हमने सारी तकरीरें सुनी, मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी, आप उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, कि साउथ पंजाब और केपी के जो हमारे मुकर्ररीन थे वो ज़रा धीमे बोलते हैं, और जो बाकी के पंजाब और सिंध के जो मुकर्ररीन थे वो बहुत लाउड बोलते हैं, तो इसकी क्या वजह? इसकी वजह यह है कि प्रेशर है उनके ऊपर, वो जिससे जिस पार्टी से बिलोंग रखते हैं या जिसको आप कह रहे हैं फेवर कर रहे हैं उस हवाले से वही है, वही चीज़ नज़र आ रही है। उसके अलावा तो टॉपिक थे सियासत में लेकर आओ ना, तो आप उससे वो माइंड कर ले कि अभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में वो फेवर में धीमा बोल रहे हैं, और ये बाकी तो जो पंजाब के और सिंध की जो आपने बता की ज़्यादा बात है उसमें गवर्नमेंट किसी और की है, और ये फैक्टर है, ठीक है ना। और नहीं, आप ये भी बात हुई कि जुडिशरी हमारी आज़ाद नहीं है, तो उन्होंने कहा कि हमारे जजेस आज़ाद नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है वो आज़ाद नहीं, तो जुडिशरी तो खुद ही पैक होगी ना, खुद ही बंद होगी ना। हमें चाहिए कि हम अपने जुडिशरी को बिल्कुल ही आज़ादी दें, ताकि वो अपने फैसले आज़ादी के साथ कर सकें, और इंसाफ का जो है पैमाना हमारा हमेशा बुलंद रहे। लेकिन वो जो हम पंजाबी फिल्मों में देखते थे आवाज आती थी ओए जज्जा, वो इधर भी होते हैं मतलब अदालतों के अंदर? मैंने तो बहुत अभी तक हमारे यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ हाईकोर्ट में, अल्हम्दुलिल्लाह हाईकोर्ट में कोई ऐसा माहौल नहीं है, हम बड़े ही तमीज से बहादुर तरीके से माई लॉर्ड और ऑनरेबल जज करके उनको मुखातिब करते हैं, और फिर उनसे अपने लिए रिलीफ मांगते हैं, ताकि जो है हमारा जो है क्लाइंट और साहब जो है उसको रिलीफ मिल सके। एडवोकेट मुसर्रफ खान साहिबा, आज ना मैं ट्विटर और इंस्टा फॉलो कर रहा था जबकि ये साथ में तकरीरें चल रही थी, और मैंने देखा कि कुछ खवातीन ने ये शिकायत की है कि स्टेज के ऊपर खवातीन की प्रेजेंस कम थी, शायद एक या दो खवातीन वहाँ पर मौजूद थी बुकला, तो इस पे आपका भी यही ख्याल है? जी बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है कि ख्वातीन की प्रेजेंस बहुत कम है। जुडिशरी में भी देखें तो ख्वातीन काफ़ी कम है, अगर लोअर कोर्ट में देखें तो ठीक है ख्वातीन की एक तादाद है, लेकिन फैमिली केसेस के हवाले से यहाँ पर जो है, अब एक कन्वेंशन हुआ था तो हमारी एक वाइस प्रेसिडेंट को सिर्फ स्टेज पे बिठाया गया था, हम भी बार के फॉर्मर में ट्रेजरार रही हूँ, और इस बार में मेरा काफ़ी मतलब रोल अच्छा रहा है। इसके अलावा जो अभी जो हाई कोर्ट बार में जो एक हमने एक कन्वेंशन किया था, फर्रुख नसीम साहब उसके वो थे अपने हमारे
क्या नाम है मेहमान खसूसी थे, तो उसमें हमारा ये सेमिनार था कि ख़वातीन की जितनी भी बार्स हैं पाकिस्तान की बार्स हैं उसमें ख़वातीन को एक सीट पर मखसूस सीट पर सिर्फ ख़वातीन कंटेस्ट करें। यहाँ पर एक तजवीज़ ये भी पेश की गई है कि सुप्रीम कोर्ट में 4 से 5 ख़वातीन जजेस होनी चाहिए, आप उससे एग्री करती हैं? जी बिल्कुल एग्री करती हूँ, ख़वातीन का राइट है, अगर इससे काबिल हैं एलिजिबल हैं तो वो बिल्कुल बन सकती जज। काबिल है हमारे यहाँ बहुत माशाल्लाह, देखी जाए तो सीनियर तरीन ख़वातीन हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोफेसर भी रही हैं, प्रिंसिपल भी रही हैं गुलों कॉलेज की, और फिर भी जो है वो हर उसमें मैदान में जेंट्स से पीछे हैं, तो ख़वातीन को अहम रोल होना चाहिए हर कन्वेंशन में। मैंने देखा बहुत चार्ज्ड अप तकरीरें हुई और मेरे ख्याल में तो इतनी ख़तरनाक तकरीरें थी कि बड़ा आम लोगों के लिए तो शायद मुश्किल नहीं होगा, उनको डर नहीं लगेगा आप लोगों के साथ कनेक्ट करना, आप लोगों के साथ मिलकर धरना देना आप लोग, क्योंकि वही बात है आपको लोगों को साथ मिलाना पड़ेगा नंबर बड़ा दिखाने के लिए, और मेरा ये ख्याल है कि आपने तो आज सबको ही चैलेंज कर दिया। देखिए हम कोई गलत बात नहीं करते हैं, हम आईन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान में सबसे आला अदारा है उसमें इंसाफ अगर जजेस को नहीं मिलेगा तो ये इंसाफ अवाम को क्या दे सकेंगे, ये क्वेश्चनेबल हो गया है, ये जो डिसीजन हुआ है हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि जज जो है वो खुद इंसाफ मांग रहे हैं। सर सिर्फ एक सवाल है और वो सवाल ये, हमने तकरीरें सुनी बहुत चार्ज्ड अप, लेकिन ये एक इंतजामी मसला है कि किस तरह से तकरीर होनी चाहिए, अगर ये इसका निज़ाम ठीक कर लिया जाता है आपके ख्याल में तो आम लोगों की सेहत पर भी कोई फर्क पड़ेगा उससे? अगर ये इंतजाम ठीक हो जाता है तो डेफिनेटली हमारी जो अदलिया है उसकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी, उसकी इंडिपेंडेंस भी इम्प्रूव होगी, जो लोगों की शिकायत हैं कि अदलिया का रोल माजी में वो नहीं रहा जिसकी हमारी तवक्कोआत हैं, जैसे हमारी तवक्कोआत रही हैं, वो जो शिकायत हैं वो दूर होंगी। अब ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इंतजामी मामलात हैं, इन इंतजामी मामलात को हम सिर्फ यहाँ प्रेशर क्यों क्रिएट कर रहे हैं कि आप अंदर बैठें और प्रॉपरली इन पर सोचें, कोई क्राइटेरिया बनाए, क्योंकि अभी तो फ्रेंकली जो पब्लिक में परसेप्शन है वो ये है कि अदलिया इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही बल्कि औरों की डायरेक्शंस पे कर रही है, वो इम्प्रेशन हमें लाजमी तौर पे हटाना है और उसके लिए अदलिया और जज साहिबान के ऊपर लाजिम है कि वो होश के नाखून लें। थैंक यू सर। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से साइन आउट कर रहे हैं, अगर 9 सितंबर को इस्लामाबाद में धरना हुआ तो वहां पर मुलाकात होगी, ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।